आज मैं आप लोगों के सामने डिंग डोंग डोर बेल लेके आया हूँ, जो कि इसे बहुत सारे लोग कॉलिंग बेल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखिए ये सब जल गया है, तो ये मेरे एक बचपन का दोस्त ने मुझे दिया है। वो दोस्त के किसी रिलेटिव के यहाँ लगे हुए थे, तो उसके यहाँ तीन चार पीस जो लगाए, तीन चार पीस ही जल गया है, एक के बाद एक जलते गया। तो ये क्यों जलता है, देखिए ये पूरा जो है पूरा क्वाइल इसका जल गया है। ये क्यों जलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जलने का मुख्य कारण है, ये एसी से ऑपरेट होता है, और ये जो बेल है इसका साउंड बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मधुर आवाज़ है, इसलिए ये बेल अक्सर प्रत्येक घर में लगाते हैं। और बहुत सारा बेल होता है जो कि मतलब कि एकदम कर्कश आवाज़ की तरह निकलता है, जैसे क्रर। और इसमें जो है दो प्लेट होता है एल्युमिनियम का, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट। इसमें बिजली देने के बाद ये जो है मैग्नेट पैदा होता है, अब मैग्नेट पैदा होने के कारण ये इसे अंदर की तरफ ढकेलता है, जैसे ये अंदर की तरफ ढकेलता है, ऐसे ढकेलता है। जैसे ही आप बेल स्विच ऑन कीजिएगा, बेल स्विच को प्रेस कीजिएगा, ये अंदर की तरफ ढकेलता है, तो टिंग से आवाज़ होगा। फिर जब बेल को छोड़ दीजिएगा, जब रिलीज़ कर दीजिएगा बेल को, तो ये अपनी जगह पर डोंग करके आवाज़ आएगा, जैसे डिंग डोंग डिंग डोंग ऐसे मारेगा। एक बार इसमें मारेगा, एक बार इसमें मारेगा। जब आप बेल को प्रेस कीजिएगा तो इसमें मारेगा, और जब बेल को रिलीज़ कर दीजिएगा तब इसमें मारेगा, जैसे ऐसे ऐसे आवाज़ होगा। बहुत ही स्वीट आवाज़ है। तो ये क्यों जलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं एक बेल स्विच ले लिया हूँ, जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा, छोड़ दूँगा, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार ऐसे प्रेस करके ऐसे छोड़ देना है, प्रेस करके छोड़ देना है। इसको प्रेस करके रखते हैं, ऐसे थोड़ा सा देर प्रेस करके रखिएगा, तो ये पूरा हीट हो जाता है, इसका क्वाइल जो है पूरा हीट हो जाता है। हीट हो जाने के कारण ये मैग्नेट तैयार करता है, मैग्नेट ही मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव जैसे ही इसमें जाएगा ये मैग्नेट तैयार करता है। मैग्नेट तैयार करने के बाद ये अंदर की तरफ खींचता है, ये मेटल रॉड जो है ये अंदर की तरफ खींचता है, स्प्रिंग दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ खींचता है। जब ये आप बेल को जैसे ही आप जैसे मान लीजिए ये आप ऐसे पुश किए तो ये अंदर की तरफ खींचा, जैसे आप छोड़ दीजिएगा तो ये बाहर की तरफ फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण ये बहुत देर तक ऐसे इतना देर तक रखा, फिर छोड़ दिया। सोचता है कि डिंग डोंग इसको इस तरह से करना है आपको, इतना देर तक करिएगा तो ये कभी नहीं जलेगा। और इसको आप लंबा प्रेस करके रख दीजिएगा तो ये तुरंत गर्म होकर हीट हो जाएगा। हीट होने के कारण देखिए ये प्लास्टिक का है, ये पूरा गल गया है और जल गया है। अब इसको अगर आप रिपेयर करने दीजिएगा कोई मैकेनिक के पास या टेक्नीशियन के पास, तो आपको इसका दाम जितना है उससे ज़्यादा आपको खर्च पड़ जाएगा। ये मार्केट में ये कॉइल मिलता नहीं है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। ये 175 रुपया में, 170 या 175 में ये आपको पूरा सेट ही मिल जाता है, तो क्यों इसे रिपेयर करने जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसको रिपेयर करने का। इसमें तो कॉइल ऐसा जल गया है, अब इसका बाइंडिंग गिन भी नहीं सकते हैं कि कितना इसमें टर्न दिया हुआ है। खैर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो ये इतना पतला तार है, ये वायर इतना पतला है, ये मिलेगा भी नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर, आप कोई भी ट्रांसफार्मर एक ले लीजिएगा, जैसे 09 012, उसका 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर या 500 mA का ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा। उसका जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को खोल दीजिएगा, जैसे मैं एक ले लिया हूँ ट्रांसफार्मर, इसको खोल दिया हूँ, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग को खोल दिया हूँ। इसका प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये बहुत पतला वायर है, इसे मैं वाइंडिंग करूँगा। अब वाइंडिंग करने से पहले इसका देखिए पूरा इसका जो बॉबिन है, बॉबिन पूरा जल गया है, पूरा गल गया है बॉबिन। अब इसको बॉबिन भी हमें बनाना पड़ेगा। तो बॉबिन बनाने के लिए हम ये पीवीसी पाइप ले लिए, पीवीसी कैसल ले लिए हैं। इसको मैं इसके नाप से काटूंगा, काट के इसमें होल करके इसमें ये स्प्रिंग जैसे सेट हो जाए, और इतना ही बड़ा गोल होना चाहिए। ये मैं इसे काट के आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं पीवीसी पाइप को काट के ये बॉबिन बना लिया हूँ, ठीक सेम साइज़ का बना लिया हूँ। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप से खुजता है, ये देखिए, जैसे आप बेल को पुश कीजिएगा तो ये इधर ढकलेगा, इधर मारेगा, फिर जब रिलीज़ कर दीजिएगा तो इधर मारेगा, तो डिंग डोंग इस तरह से होगा। अब मैं इसमें ये जितना भी वायर है मैं इसमें इस बॉबिन में लपेट दूंगा। तो इसको लपेटने के लिए सबसे पहले ऐसे लपेटिए,
ये पूरा टर्न करते जाइए, जितना है इसमें वायर, समूचा वायर इस बॉबिन में अट जाना चाहिए। कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, कम होने से ये मैग्नेट तैयार नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए जितना है इसमें उतना इसमें डाल दीजिए। तो मैं अब मैं इसमें बार्निश मार दूंगा। बार्निश मारने के बाद इसे टेप से मैं पूरा टेपिंग करके फिट करूंगा। तब तक मैं इसमें बार्निश मारता हूं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूं। टेप मारकर मैं बार्निश मारकर इस पर पूरा टेप मार दिया हूं। टेप मारकर मैं इसमें एक स्लीविंग पाइप भी लगा दिया हूं दो। अब मैं इसे दो वायर जोड़ लेता हूं। इस पर दो वायर मैं यहां जोड़कर उसके बाद टेप मार के आप लोगों को दिखाता हूं। फ्रेंड्स, मैं इसमें टेप मार दिया हूं। ये देखिए, अब मैं इसे इसमें फिट करूंगा, इसमें फिट करूंगा। तब तक मैं इसमें यहां डाल देता हूं, वायर को बांध देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें वायर मैं घुसा दिया हूं, बांध दिया हूं। अब मैं इसको इस पर सेट करूंगा। इस पर देखिए कैसे सेट किया जाता है। इस तरह से सेट कर लिया जाता है। मैं इसे सेट कर दिया हूँ। देखिए इस प्रकार से स्प्रिंग लगाया जाता है। अब मैं इस पर कवर लगा देता हूँ। कवर लगाकर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैं इस पर कवर लगा दिया हूँ। अब देखिए, अब यहाँ स्विच लगा देना है। तो मेरे पास तो अभी स्विच नहीं है, तो मैं इसे वायर लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ शॉर्ट कट कर। देखिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। एक लाइक मार दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। ये मेरे एक बचपन का फ्रेंड था बोलकर मैं इतना कष्ट किया हूँ इसके लिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आप लोगों को यदि इस प्रकार का कॉइल जला हुआ मिले तो आप लोग कृपया नया एक ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और ये वायर खोजना बहुत मुश्किल है। हमने तो ट्रांसफार्मर का खोल के आप लोगों को दिखा दिए हैं, लेकिन मार्केट में ये कॉइल भी नहीं मिलेगा और मार्केट में ये वायर भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।